चांदनी चौक नाम के गांव में कैलाश नाम का एक लड़का रहता था। कैलाश का कोई नहीं है, इसलिए जो भी लोग उसे कहते हैं, उसके अच्छे के लिए ही कहते हैं। सोचकर उनकी हर बात मान लेता था। मेरी बात सुन बेटा, नींबू का व्यापार बहुत अच्छा होता है, उसमें तुम अच्छे खास पैसे कमा सकते हो। अब तुम बड़े हो गए हो, इन छोटे मोटे कामों से तुम्हारा क्या भला होगा? ये है गिरिधारी, ये नींबू का एक बड़ा व्यापारी है और अपना व्यापार करने के लिए छोटे छोटे व्यापारियों को नींबू देता है। कैलाश को भी अपने नींबू बेचकर अपना व्यापार करने के लिए गिरिधारी उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है। आपने कुछ कहा है तो मेरे अच्छे के लिए ही कहा होगा चाचा जी, अब से मैं नींबू ही बेचूंगा। ऐसे कहते हुए गिरिधारी से वो नींबू खरीदकर बेचने लगता है कैलाश। कैलाश के नींबू तो बिक रहे थे, लेकिन उनसे इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि कैलाश अपने लिए कुछ खरीद सके। इसलिए कैलाश नींबू का व्यापार ना करने के बारे में सोचता है। चाचा जी, मैं अब ये व्यापार और नहीं कर सकता हूँ। इन नींबुओं से होने वाली कमाई मेरे खाने के लिए भी कम पड़ रही है। मैं तो इसके भरोसे पर ही बड़े ऑर्डर्स ले रहा था, अब ये व्यापार नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा? तुम व्यापार तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें व्यापार करने का तरीका नहीं सीखा है बेटा। ऐसे कहते हुए गिरिधारी कैलाश को व्यापार करने का तरीका बताता है। उसकी बात सुनने के बाद कैलाश उसके हिसाब से ही नींबूओं को ऐसे बेचने लगता है। एक नींबू 5 रुपया, 3 नींबू के सिर्फ 10 रुपये, ताजे ताजे नींबू ले लो। ऐसे कैलाश को देखने वाले भी 10 रुपये में एक नींबू मुफ्त में आ रहा है, सोचकर 3-3 नींबू खरीदने लगते हैं। ऐसा करने पर कैलाश के व्यापार में सुधार आता है और ये बात भी समझ में आती है कि अगर कुछ सही से चल रहा है तो वही अंत नहीं होता है। ऐसे सोचते हुए कैलाश एक जगह पर ठहर कर बेचने की बजाय हर जगह पर घूम कर बेचने लगता है, जैसे कि बाजार और गलियों में। चाचा जी बिल्कुल सही कहते हैं, हमें बेहतर को और बेहतर बनने की कोशिश करते ही रहना चाहिए। मेरे पास एक अच्छा उपाय है, उसके बाद सिर्फ मुनाफा ही होगा। ऐसे कहते हुए कैलाश एक दिन गिरिधारी से बहुत ज्यादा नींबू ले लेता है। गिरिधारी को अपने व्यापार से मतलब था, इसलिए उन नींबुओं में थोड़े से खराब नींबू भी मिलकर दे देता है। गिरिधारी की नीयत खराब थी, लेकिन कैलाश के मन में कोई क्रोध नहीं था, इसलिए अच्छे है या खराब बिना देखे ले लेता है और रात को अपने घर के आंगन में आधे नींबू काट कर बीज भू देता है और उन्हें हाल पर छोड़ देता है। क्या बात है कैलाश, तुमने सिर्फ एक ही बार ज्यादा नींबू लिए थे, अब क्यों नहीं ले रहे हो उतने सारे? क्या उसमें नींबू खराब थे? ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी, मैं बस आपकी कही हुई बात पर ही ध्यान दे रहा था, थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको समझने में। ऐसे कहते हुए हमेशा की तरह नींबू लेकर बेचने के लिए चला जाता है कैलाश, लेकिन गिरिधारी सोच में पड़ जाता है। ऐसे थोड़ा वक्त गुजरने के बाद कैलाश के बीच पेड़ में बदलकर ढेर सारे नींबू देते हैं। खुद के नींबू के पेड़ होने की वजह से कैलाश को अब गिरिधारी से नींबू खरीदने की जरूरत नहीं थी। अब कैलाश जितने भी नींबू बेचता था
वो सारी कमाई अब उसी की थी। कल दोबारा नींबू खरीदने के लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं थी। मुझे कैसे भी करके इसके नींबू के पेट बर्बाद करना ही होगा। ये कुछ ज्यादा ही उड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कहते हुए एक दिन रात को गिरिधारी कैलाश के सारे पेट जला देता है और इस काम में वो भी घायल हो जाता है। कैलाश को अपने पेट जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी कमाई से एक नींबू का बाग ही खरीद लिया था और बड़े बड़े व्यापारियों से व्यापार कर रहा था। चाचा जी, ये कैसे हुआ? अब ठीक तो है ना? मुझे जैसे ही आपके बारे में पता चला, मैं यहाँ पर आ गया। जिसे सबसे पहले मुझ पर शक करना चाहिए, वही मेरी मदद के लिए आया है। मैंने कितना गलत किया इस मासूम के साथ। ऐसे कहते हुए गिरिधारी दुखी होता है और कैलाश अपनी कामयाबी की कहानी सुनाता है। हम इतना तो जानते हैं कि इस जमाने में शादी को वो इज्जत या अहमियत नहीं मिलती है जो इज्जत हमारे बड़े लोग करते थे। आजकल कोई भी किसी से भी शादी कर लेते हैं और यूं ही बिछड़ भी जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उनके परिवार या बच्चों का क्या होगा। ये बात वेस्टर्न सिटी के एक ऐसे ही परिवार की है। आइए सब शुरुआत से जानते हैं। फाइनली हमारी शादी हो गई। अगर इस वक्त हमारे परिवार वाले भी साथ में होते तो कितना अच्छा होते हैं ना? दुखी मत हो संगी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम दोनों ही काफी है एक दूसरे के लिए। इन दोनों ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दोनों एक छोटा सा घर लेकर बहुत खुशी से रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके दो बच्चे भी होते हैं। अब उनका एक सुखी परिवार है। बंटी बेटा, जल्दी करो, तुम्हारी स्कूल की बस छूट जाएगी और मुझे ऑफिस के लिए भी देरी हो गई। प्रताप, शाम को आते वक्त बबली के लिए नई वाली दूध की बोतल लेते आना, पुरानी वाली खराब हो गई है। ऐसे दोनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ बच्चे बड़े होते हैं और उनके खर्चे बढ़ने लगते हैं, संगी और प्रताप पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसे दोनों पति पत्नी संभाल नहीं पाते हैं। दिवाली आ रही है, शॉपिंग करने के लिए पैसे चाहिए। सारे पैसे तो बच्चों के स्कूल फीस में ही चले गए हैं। बचे हुए पैसों से मुझे कुछ काम है, इसीलिए इस दिवाली पर शायद शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या काम आ गया है जो आप हमें शॉपिंग नहीं करवा सकते हो? तुम्हें सब बेटे बताने जरूरी नहीं है। जितना कह रहा हूँ उतना ही सुन लो बस, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। ऐसे दोनों हर छोटी बात पर झगड़ने लगते हैं और उन्हें देखकर उन्हें बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है और चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं। और घर में हो या स्कूल में या फिर उनके दोस्तों के साथ, वो हमेशा उदास और चुप रहने लगते हैं। माँ, मुझे खाना खाना है और चुटकी को भी। अभी तो 6 बज रहे हैं बेटा, बहुत जल्दी भूख लग गई तुम दोनों को आज, क्या बात है? भूख तो नहीं लगी है माँ, लेकिन थोड़ी देर में पिताजी आएंगे, उसके बाद आप दोनों झगड़ने लगोगे और हमें उस वक्त खाना अच्छा नहीं लगता है। वो बात सुनकर
संगी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो उस बात से कुछ सीखने की बजाय बच्चों को खाना खिलाकर प्रताप से उस बात के बारे में जगन्ने के बारे में सोचती है। बच्चे खाकर खेलने के लिए बाहर जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रताप काम से घर लौटकर आता है। उसके आते ही हमेशा की तरह झगड़ा शुरू हो जाता है। अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ। हम कल ही डिवोर्स ले लेंगे। इतने दिनों में पहली बार तुमने कोई ढंग की बात की है। यही करना चाहते हो तो यही सही। ऐसे दोनों बिना सोचे अगले दिन डिवोर्स लेने के लिए जाते हैं। अपने बच्चों के बारे में सोचे बिना ही कोर्ट में जब ऑफिसर पूछता है कि वो क्यों डिवोर्स लेना चाहते हैं, तब वो दोनों सारे बचकाने जवाब देते हैं। वो बातें सुनकर ऑफिसर का दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब है? पहले अपने माँ बाप को बिना बताए शादी करके उन्हें दुख पहुँचाया और अब इन छोटे बच्चों के बारे में भी एक बार भी नहीं सोच रहे हो? मैं तुम्हें डिवोर्स तो दे दूंगा, लेकिन बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहेंगे और तुम मतलबियों को उनसे मिलना हो तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स की परमिशन लेकर मिलना। ऐसे कहते हुए उन्हें डिवोर्स दे देता है। उसके बाद वो बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी के पास बहुत अच्छे से रहने लगते हैं और ये दोनों अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर अकेला ही पड़ जाता है। अकेले ही पड़ जाते हैं।